What's up guys? आज हम देखने वाले मस्त मजेदार शांति दूत मोए मोए मीम्स और टाइम में का मैं आपको अपना बेटा सौंपती हूँ। अरे ये भाषण जो बहुत वायरल हुआ था, सुनेगा देखा, करते हैं शुरू वीडियो 1 2 3 गो। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं हम डिबेट नहीं करेंगे मोदी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे भैया जी, पप्पू जी, पप्पू जी, मोदी 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 कहाँ है मोदी? अरे कांग्रेस कार्यालय में मोदी क्या करेगा? नहीं यार, सपने में आया था, हमको हरा दिया, डिबेट कर रहा था। अरे भैया सो ये चुपचाप डरे अमेठी छोड़ के भाग जाने वाले को मामूली सांसद है आप, और देश के प्रधानमंत्री ऊपर से उनके नाम पे वो अनजानू आदमी सांसद बन जाएगा, आपसे डिबेट करेंगे, हाथ मिलाइबे नहीं करेंगे। सोइए, डायपर पहन के सोइएगा, पूरा बेड गीला कर दिए, ठीक है, सुतले पजामा बदल देना। जय जय श्री राम सब सनातनी भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। कहाँ फायदा है? आज कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में था। अच्छा, वहाँ पे एक कुली मिला मुझे। क्या बात कर रहे हैं? बहुत लोग मिलते हैं। कुली मुझे कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। लीपा पोते वाली बातें बस। पापा ने लाखों रुपए दिए हैं। ठीक है, समझ गया। प्राइवेट एजुकेशन के लिए इमोशनल टेक्निकल कॉलेज में और आज मैं कुली का काम कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की देन है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, गजब, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई सरकार नहीं है, कोई सरकार। कुली ने मुझे यह बात बोली। आज क्या बात है बाबा जी, क्यों हंस रहे हैं? अरे ये प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका वाड्रा जी कह रही है कि राहुल बाबा और मोदी जी में हिंदू धर्म पे डिबेट हो जाएगा तो ये राहुल जी जीतेंगे। कौन राहुल? अरे ये वही राहुल जिनका ये पार्टी भगवान राम जी को काल्पनिक मानती है। लेकिन वो तो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, मैंने एक फोटो देखा था। नहीं नहीं, पूजा कर रहे थे, ये बताइए ऐसे कौन सी पूजा होती है? पूजा है कि नमाज हो रही है? बात तो सही कह रहे हैं। और देखिए, मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ, पुलिस थी, कोर्ट था, संविधान था, फिर भी कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात वहाँ से पलायन होना पड़ा था, तब ये फर्जी मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? देखिए, मैं इन फर्जी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि 5 साल का बच्चा भी हिंदू धर्म के टॉपिक पर डिबेट करेगा तो इनको हरा सकता है। मोदी जी की तो बात ही छोड़िए। जय श्री राम। मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे एक लड़का मिला, एक को कुली मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि किसको वोट दोगे? बोला सर झाड़ू को। मैंने कहा कैसे दोगे? चुनाव के पहले वो लोग पैसे लेके आएंगे। मैंने पूछा आते हैं कि नहीं आते? बोला हाँ आते हैं। हमारे तक नहीं आया आज तो। आप लोगों से पूछा पैसे लेके आते हैं कि नहीं आते हैं? मैंने कहा वो दारू लेके आएंगे। बोला हाँ आते हैं। तो मैंने कहा फिर झाड़ू को कैसे वोट दोगे? बोला सर पैसे उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा। हमारे तक नहीं पहुंचे आज तक ऐसे लोग यार, हमारे तक ऐसे नहीं मिलते। ये सारी हवाबाजी कहानियां, ये तो एक कमल का फूल है। ये भी राजनीतिक दल का चिन्ह है ना? जी नहीं, ये कमल का फूल है। यह तो किसी दल का चिन्ह है ना, वो कमल का तो फूल है। आप मुझे इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाथ का पंजा वाले जो है हाथ काट के अंदर जा रहे हैं क्या? वो तो निर्वाचन वाले तय करेंगे। तो निर्वाचन वालों को तय करने के लिए राहुल गांधी को देंगे वोट। अरे भैया, राहुल गांधी को वोट देके पप्पू का टप्पा अपने माथे पे थोड़ी लगवाना है, उसी के माथे पे रह रहे तो पप्पू का टप्पा हमारे माथे पे लग जाएगा, उसको वोट देंगे तो। बात तो सही है। तो केवल भाजपा को वोट देते, फर्स्ट टाइम वोट भी किया था तो बीजेपी को और अभी भी बीजेपी को, क्योंकि दिखता है ना, मंडला में रोड, मंडला में इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडला में ट्रेन आ गई, मंडला से माल बुक होने लगा, सब कुछ हो रहा है। मंडला पहले नहीं, पहले नैरो गेज थी, उसको भी ब्रॉड गेज का करना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 2003 के बाद जैसे इनकी सरकार आई काम बंद हो गया। 2014 में जब फिर से मोदी जी आए तब काम चालू हुआ, ब्रॉड गेज हो गई, मंडला से ट्रेन जाने लगी, मंडला में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। तो ग्रोथ दिख रही है ना? पॉइंट दिख रही है। हवा में बात नहीं करते जैसे हमारे राहुल गांधी जी करते, आदरणीय, कि लीटर में वो आटा बेच लेते हैं, किलो में वो तेल बेच लेते हैं, ऐसा हम लोग समझदार हैं थोड़े से। मोदी जी कहते हैं और उसको करके दिखाते हैं। हमसे कहो तो कह दूं, आगे पीछे
हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। जंगल में दो ही शेर है, एक मोदी एक योगी। यह है भारत का वो नक्शा जिसको हम सब देखते हैं, क्या पाकिस्तान और क्या चीन हमारे बगल में हो, लेकिन इस भारत के नक्शे को हम अपने दिल में बसा कर देते हैं। और ये भारत का नक्शा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जहां पाक और चीन को हमारे हिस्से दिखा दिए जाते हैं। मैं कैसे मान लूं तू राहुल गांधी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट दे। आपको बेरोजगारी से दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दसवीं पढ़े। क्या ड्रीम था आपका, कोई ड्रीम बताइए, सपना क्या था? ड्रीम टीचर का था मैं। टीचर का? टीचर बनने के लिए किस चीज की पढ़ाई करनी पड़ती है? डीएड, डीएड, बीएम, डीएड। मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, आपको राहुल को अपना मानना है जैसे आपने मुझको अपना माना था। हम आपको अपना नहीं मानते मैडम, और आपका बेटा आपसे संभलता नहीं तो हमें सौंपनी है। अरे भैया देखिए, मेरे बेटे राहुल को कुछ हाँका जाता नहीं है, उसको आप उस स्टॉप कर में बस अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। ले भैया। पर मैडम हमारे पास ऑलरेडी चुनने को एक बेहतर लीडर है, हमें राहुल की जरूरत नहीं है। अरे आपको बीजेपी वाले ने क्या दिया, सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और जीडीपी ने गिरा दिया। ये सब तो आप गिरे हुए लोगों ने किया है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं मैडम, और युवा आत्मनिर्भर है, बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है वो भी खुश है। आप राहुल को खुद ही संभालो, हमें मत दो। सर यहाँ पे तभी को कोई नहीं लेना चाहता है। राहुल क्या करूँ मैं तेरा, तो जैसे साफ और सौ भी नहीं सकती, कितना डैमेज हो चुका है, क्या करूँ? मुझे राइस बाउल में डाल दो क्या? युवा नेता है तो युवा नेता की शादी करा दी जाए, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है इनकी बातें सुन के ना, इनके पास वैसे तो कुछ मुद्दे होते नहीं है। पहले इनके सारे मुद्दे आज मैं पानी पानी कर देता हूँ। पहला मुद्दा इनका आएगा बेरोजगारी बहुत है। ठीक है भैया, तुम्हारे पास 50-60 साल थे, तुमने कितनी बेरोजगारी कम कर दी, खत्म करो उस बात। अरे छोड़ना, शॉर्ट में निपटा रो। अरे तू रेक्स कर आज, तू देख। दूसरा पॉइंट, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस इतना जाएंगे, मोदी जी का 10 साल और उससे पहले कांग्रेस यूपीए जो वो सरकार थी उसके 10 साल, उसके उस 10 साल में ना पेट्रोल का रेट लगभग 210% बढ़ गया था, ठीक है, और अभी जो मोदी जी सरकार है उसमें 60-70% रेट बढ़ा है, तो ठीक है, उन नंबरों में मत जाओ, परसेंटेज देखना कितनी कितने परसेंटेज बढ़ा 10 साल में इनके और 10 साल के उनमें, ठीक है। और क्या इनका मुद्दा आता है, फिर क्या कुछ नहीं बचता, तो इनकी लिपा पोती, हाँ, फिर इनके इतने दोगले बयान होते हैं। प्रियंका गांधी सुबह कहती है कि 5 किलो आटा आपको देते हैं ना, ये राशन देते, उससे आपको निर्भर बना रहे सरकार के ऊपर, आपको तरक्की नहीं चाहता। पहली बात तो ये, इंसान के जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाता उसको दे रही है सरकार, और वो अगर खाएगा तो जो सरकारी स्कूल है कहीं भी जाके थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन पाएगा, खाली पेट जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा कुछ, तो राशन वहां मिल गया, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ठीक है, ये सरकार पे निर्भर हो रहे हैं, चलो ठीक है। तो शाम को ही खड़गे जी आते हैं, वो कहते हैं हम आपको 5-10 किलो दे देंगे। ए भैया यार, छोड़ो, अगले दिन राहुल गांधी आते हैं, मैं 8,500 रुपए दे दूंगा, छोड़ो, क्यों तुम्हें रोजगार चाहिए? फिर ये कहते हैं कि आज का युवा निर्भर नहीं होना चाहिए सरकार पे, तो फिर ये आके कह देते कि वो खटाखट 8,000 रुपए देंगे, डेटा भी देंगे, वाह भैया मौज करा दो तुम तो, है वो आत्मनिर्भर। आज के युवा को 8,000 रुपए मिलने लग जाए ना, 90% लोग काम धंधा छोड़ देंगे, बता रहा हूँ मैं, तो मैंने स्ट्रगल देखा है लोगों का, सीरियसली, जोमेटो, जेप्टो, ठीक है, स्ट्रगल करके साइकिल पे डिलीवरी करने आते हैं, हाँ, साइकिल डिलीवरी करने आते हैं, कितना कमा लेते हो महीने, 15,000-18,000, तुम 8,000 दोगे, बंदा मेहनत छोड़ के आराम से 2,000 रुपए का बिजली का बिल भरेगा, कूलर लगाएगा बढ़िया सा है, और अपना 4-5,000 में राशन करके अपने मौज लेगा। सीरियसली तुम क्या बात कर रहे हो, युवा को पेंशन की इन चीजों की जरूरत होती है, जो बेचारे लोग बूढ़े हो गए, जिनकी एज हो गई है, उनको इलाज की, गवर्नमेंट की हेल्प उस तरीके से चाहिए होती है, युवा को नहीं चाहिए, युवा को कमा खाने की मेहनत करने की होती है, और युवा जो होगा ना तो उसकी फैमिली में पेरेंट्स भी होंगे, उनके पेरेंट्स अगर बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे या नहीं अफोर्ड कर पाए तो उनके लिए राशन भी होगा, तो उस राशन से वो भी खा लेगा,
तुम युवा को अलग से ये चीजें मत करो, ऐसे भाषण मत दो युवाओं को, ये बोलो कि जैसे मोदी जी की स्कीम दिखाई थी ना कि इतना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को 2,000-3,000 रुपए भी दिए जाते हैं और लगभग साल कि हम तो पढ़ेंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बल्कि 2,000-3,000 रुपए दिए भी जाते हैं कि अपनी बुक्स ये चीजें बहुत चीजें, तो गुमराह करने की कोशिश मत करा करो इस तरीके से, क्योंकि जब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचता। एक डिबेट पता नहीं कौन सी पार्टी का था, वो मेरे को उसको देखते तो अलग गुस्सा आता है, वो टमाटर लेके आ गया था डिबेट में, टमाटर महंगे हो रहे, अरे भैया 2-3 महीने कोई रेट महंगा हो गया तो उसके पीछे की बात भी समझ लिया करो, तब नहीं बोलते कि बाकी कंट्रीज पर तो सेंशन लग जाते हैं रशिया से तोड़ने पर और इंडिया सस्ता लेता फिर भी। दो या तीन महीने में जब वापस वो 20-30 रुपए किलो मिले तब नहीं बोला कोई भी कि अच्छा कम भी हो। और भैया इस देश में जब कांग्रेस के टाइम पर जब तेल मिलता था ना रशिया से, एक बार बताता हूँ, तो रशिया तब उस रेट पर देता था तो उस रेट पर लगभग आता था, आज के टाइम के हिसाब से रशिया देगा तो उसके ऊपर वैट वुड लग के फिर गवर्नमेंट टैक्स लगा के फिर आपके पास आएगा, फिर भी महंगाई 60-70% बढ़ी पेट्रोल के हिसाब से, जबकि 210% उनके टाइम पर बढ़ी थी। तो इन चीजों को छोड़ के और एक और चीज समझ लो, आप अगर कोई चीज 10 रुपए की बना रहे हो आज तो आप कुछ प्रॉफिट में बेचोगे, रशिया प्रॉफिट बेच रहा था, अब ऐसा था नहीं 20 साल बाद आप वही चीज 10 की बेचोगे, अब पार्ले जी भी 5 का इतना बड़ा पैकेट इतना हो गया यार, तुम थोड़ा सा रशिया तुम्हें कांग्रेस के टाइम का रेट थोड़ी दे देगा तेल का, वो भी अपना देश चलाना चाहता है, हम भी अपना देश चलाना चाहते हैं, लेकिन पॉलिसीज मैटर करती है, रिलेशन मैटर करते हैं। अगर इंडिया आज ये दबदबा नहीं होता ना इंडिया का, और इंडिया होता मालदीव जैसी कंडीशन में, तो चाइना जो कहता है या अमेरिका जो कहता है दबदब के चुप चुप के सुनता इंडिया। इंडिया आज उस स्टैंडर्ड पर है, उस लेवल पर है कि अगर कोई आंग दिखाता है ना, अमेरिका कहता है तुम नहीं लोगे रशिया तेल, तो इंडिया कहता है सुन रहे हम तो लेंगे। कांग्रेस के घर में खाना बनाने वाले बावर्ची होंगे जो वो उस टाइम पैसे ले रहे थे 200-300 में, कहने आज 200-300 में बना रहे हैं। बेरोजगारी भैया, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, ये आज के युवा को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी कल को कह दूंगा लॉकडाउन में नौकरी गई थी, मोदी जी नौकरी दो, हम भी खड़े हो जाते हैं, सबको सरकार नौकरी देगी तो सरकार की तिजोरी होगी खाली, फिर जीरो पर ही आ जाओगे 5-10 साल में, फिर जो आप कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए जी रहे, आपके बच्चे गाली बकेंगे तुम्हें कि क्या कर गए तुम तो सरकार के पीछे पड़ गए थे नौकरी के लिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।